Hi, guys, this is Kapil Sharma, and you're watching the Kapil Sharma show. Oh, huh? oh, 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 hi, hi. <laughs> what do you mean by comedy night? <laughs> <laughs> this is Dabar Vita What Women congratulations, Want. Congratulations, <laughs> congratulations for your new show. Thank you, Kapil. Dabar Vita What Women Want. Powered by Tirupati Edible Oils on Mirchi Plus.

बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं हम लोग गैग्स करते हैं उसमें इंटरव्यूज होते हैं फिर आप जैसे फिल्म स्टार्स जब आते हैं यू नो आपके फैन फॉलोइंग जो है वो शो के साथ जुड़ जाते हैं हाँ मुश्किल होता है करना हर हफ्ते बिकॉज मिनट्स का कॉन्टेंट क्रिएट करना या। एपिसोड और यू नो मिनट का कंटेंट मुश्किल होता है लेकिन हो रहा है बिकॉज़ कुछ ना कुछ दुनिया भी चल रही है दुनिया में भी कुछ, ना कुछ हो रहा है हाँ, so हाँ, चोड़ी -चोड़ी से करके, कुछ, ना कुछ करके हो ही रहा है actually, मुझे भी नहीं पता है अच्छा हाँ। साइंस पर चल रहा है ठीक है? है अच्छा ठीक है सो so, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कहते हैं आपके शो पर काफी सारे लेडीज है मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है

पर ऐसा नहीं है कि है नहीं है आती नहीं है मेरी मम्मी बहुत फनी है अभी अब दो तीन दिन पहले अक्षय कुमार हमारे शो पे आए तो मेरी माँ ने जो मेरे सीक्रेट खोले और उतने अपने फनी वे में पंजाबी में बात कर रही थी हाँ। अब मेरी बेटी है तीन साल की वो इतनी फनी है सो हाँ। मुझे तो सारी भी फनी लगती में भी होगा ना पर उसकी माँ जो है वो तो हमारी तो वो तो कहीं और से हाँ।

What is going to happen? आप, दोबारा mm -hmm. ऑडिशन दिया फिर उसी शो का पहला एपिसोड पहला प्रोमो ही मेरा चला उसका भी बना। mm -hmm. कभी -कभी होता है, दो मिनट में आप यू नो ऑडिशन में क्या लाखों लोगों की लाइन लगी हुई है और आपको दो मिनट में बताओ आप एक तो आप नए नए हो कुछ करना चाहते तो हो इंडस्ट्री में पंजाब और जो ऑडिशन ले रहे थे वो बंगाल से थे ओके टेल मी दो मिनट में तो दो मिनट में।, में तो मेरे को वो यू नो ये सब करने में निकल गया तो होता है पर मुझे लगता है कि शायद जब जब रिजेक्शन हो भी रहे थे तो मुझे लग रहा है ठीक ही हो रहे थे हुँ, क्योंकि हुँ. आज भी अगर हम लोग काम करते हैं अब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कैमरा के सामने बोलने में लेकिन आज भी अगर मैं अपने पुराने शोज देखूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं होता तो मैं अपने आप को कभी चांस ना देता <laughs> एक अपना पुराना काम कभी, कभी देखे लगता है ना कि ये अच्छा हो सकता था

मैंने कहा फिर वो भी सो गए कहते ओके ऐसे सवाल पूछते ना सीरियसली पता है आपकी क्रिएटिविटी मुझे जितना टाइम होता है उतना है ना जितना दे पाते हैं हम बच्चों को किसी चीज के लिए मना करना मुझे तो लगता नहीं कि बच्चों को किसी चीज से मना करना चाहिए जितना मेरा एक्सपीरियंस है यू ना यू मदर आप बेहतर जानते हो और सीनियर भी हो आप आपके पहले आए बेबीज आपकी लाइफ में हाँ। पर मुझे लगता है कि मना नहीं करना चाहिए उनकी तो बेहतर yeah, so हाँ। कौन बता सकता है <laughs> मुझे बताओ। नहीं, बता। जैसे हम लोग बच्चों की बात कर रहे हैं ना कि बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है हाँ। अगर आप जितना उनको छुपाओगे वो कहीं ना कहीं तो आपको तो फिर ठीक है जो जैसा है जस्ट गो फ्लो ज so I mean, so okay. करना Seven stars. Seven stars. पड़ता तो yeah, yeah, तो है।, है पर मैं कर लेता हूँ उनको स्कूल जाने से पहले मिलता जरूर हूँ सुबह पाँच बजे सोया हूँ फिर ये होता है की फिर गिल्त नहीं रहता मन में चौबीस घंटे हो गए पहली बार जब आपके बच्चों ने आपको पापा बुलाया The होती है। है। बच्चों का सोशल मीडिया यूसेज करना <laughs> पता ये ज्ञान ना हम लोगों को बड़ा बांटते हैं मेरा एक दोस्त था जो हमारी भाभी थी वो हमेशा उसको खाना खिला रही थी आईपेड पे कुछ लगाते मैंने कहा भाभी दिस इज वेरी रॉन्ग आप अपने बच्चे को एक तो उसका खाने में कंसेंट्रेशन नहीं है तो हंसने लगी चुपचाप बोलती अच्छा तो उस समय गिनी थी हाँ। कब है आपकी ड्यू डेट मैं कहा एक महीने बाद तो ऐसा बोल के फिर जब मेरी बेटी डेढ़ साल की हुई ना तो जब मैंने उसको देखा आईपैड पे पोईम लगा के और कुछ ना तो कुछ देख रही है हाँ, पेपा पिग लग रहा है है, ये हम ज्ञान तो दे देते हैं लेकिन माँ को जब खाना खिलाना पड़ता है ना उसको, नाट ना तो वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है

आपने काफी इंटेलिजेंट एंड यू नो वेरी इमोशनल का अभी तक आपके आपके मन में मेरे बारे आप, में क्या राय थी नहीं क्योंकि हम हमेशा आपको देखते हुए यू आर लाइक ऑलवेज लाइक यू नो कपल्स ऑलवेज लाफिंग मेकिंग अदर्स लाफ एक सीरियस साइड कभी यू नो वी डोंट सी वो आप this. मेरी फिल्म में भी अभी देखेंगे एग्जैक्टली exactly. अच्छा इसकी एक बड़ा ट्रिक सा क्वेश्चन है एक्चुअली बिकॉज़

नो नहीं बट बड़ा शोर तो वो काफी अंडरस्टैंडिंग सी है वैसे भी हाँ. कपिल तुम्हारी नई फिल्म जो है में यूर प्लेइंग अ डिलीवरी बॉय जी हाउ डि यू प्ले द कैरेक्टर हाउ वाज इट लाइक जैसे आपने बोला कि एक डिलीवरी बॉय की कहानी है

अगर मुझे शाहरुख खान भी हाँ कर देंगे ना दे ग्लोबल स्टार मैं उनको तब भी नहीं ले सकती मैं क्यों अब उसके बाद वाली जो लाइन थी पता नहीं मेरे लिए था <laughs> मेरी देती थी क्योंकि कहती है कि वो ये वाले रोल में सूट नहीं करेंगे तुम्हारा ना मुंह बड़ा कॉमन है

बच्चों के इतने सारे काम होते हैं जब मुझे छुट्टी होती है मैं घर में देखता हूँ पर हाँ अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर चाहे मेल है फीमेल आपकी वाइफ है अगर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे और काम करना चाहे इसमें कोई बुराई नहीं है समय के हिसाब से आपको चेंज भी होना चाहिए Definitely. ये पुरानी बातें बहुत पुरानी yeah, बातें yeah. बट बात बात हाँ ये स्टिल एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में कई की ईगो आ जाती है की अरेगो मैं काम कर रहा हूँ मेल ईगो की मेरी वाइफ कैसे काम करेगी So, हाँ, एक कहावत है कि मर्द को दर्द नहीं होता। You've been very open because आपने बहुत खुलेआम बात किया अपने mental health struggle के बारे में। ये बड़ी फिल्मी बातें हैं। मर्द को कभी दर्द नहीं होता दारा सिंह की जी की फिल्म में अच्छा लगता था ये। ऐसा होता नहीं है सबके अंदर इमोशंस होते हैं और कुछ स्ट्रांग होते हैं कुछ कम स्ट्रांग होते हैं कुछ यू नो इमोशनली इतना नहीं झेल पाते हैं उसे सारी चीजें होती हैं हम शायद पब्लिक फिगर हैं थोड़े पॉपुलर हैं तो हमारे साथ लोगों को पता चल जाता है, कि उसका है बुरा फेस चल रहा है वो यू you नो know, थोड़ा लो है या और मैं जिस शहर से आता हूँ मेंटल हेल्थ तो शायद अभी भी वहाँ पे ये टॉपिक है ही नहीं एग्जिस्ट नहीं पता करता ही नहीं। पता ही नहीं है की बट बात तो बात करके बिकॉज दे दे कनेक्ट सो मच विद यू द आम जनता हैव दैट तो बहुत बड़ी बात हुई है अब मैं जब इस चीज से निकला ना तब मुझे याद है कि बचपन में भी ऐसा होता था कभी कभी यू नो you know, कभी हम स्कूल चेंज कर कर लिया कोई आपका क्लासमेट जो आपका शायद बड़ा अच्छा दोस्त है वो कभी दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाता था तो लो हो जाते थे जी, पर उससे माँ बाप को नहीं लगता था कि डिप्रेशन है हालांकि उस समय दिल नहीं करता था बाहर निकलने को तो रजाई खींचते थे चल भाग चलो स्कूल जाने का टाइम हो गया फिर कभी कभी लगता है कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है अमे कोई ऐसा, रीजन नहीं है पर कोई रीजन नहीं होता कभी-कभी सो कभी। so, हाँ ये ये बहुत भयानक चीज है और जब मैं बोला इसके बारे में तो मुझे बहुत सारे ट्वीट्स भी आने लगे कई लोग तो पूछने लगे कि आपने इसे क्योर कैसे किया ये के यू कैन हेल्प अदर पीपल एक oh, uh... people, हाँ, बहुत बड़ी बात और और करना भी चाहिए जी बिल्कुल

21 दिन तक बेड रेस्ट करनी है 21 दिन भी नहीं तीन महीने तक ही राम है और जब आप बेड रेस्ट पे हो उसके बावजूद आपको को बोले सैलेड खाओ तो नहीं होता है हाँ। फिर मुझे था कि आने दो जो आता है कोई नहीं जब ठीक होंगे तो फिर कर लेंगे तो मेरा बड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है मैं मैंने आपकी फैमिली के बारे में सुना कपूर फैमिली में सारे फूडी हैं उसके बावजूद आप सब गर्ल्स ने, ने, मतलब ये, ये में जहाँ सब खाने पीने के शौकीन है अरे खाना कि नहीं खत्म हो लंच क्या हो रहा है हमारी बातें अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है बात हो रही है कि लंच में क्या करेंगे अभी वो तो फिनिश कर लो पहले पर अभी मेरी वाइफ थोड़ा सा मुझे बोलती रहती है कि तुम टीवी पे आते हो तुम्हारी एज हो रही है तुम ना <laughs> तुम लोगों से 20 साल पहले बुढ़े हो जाओगे तुम्हें तुम्हें थोड़ा तुम ध्यान देना चाहिए तो मैं चलो ठीक है पर हाँ अच्छा भी लगता है जब आप थोड़ा हाँ, फिट तो थोड़ा फिट होते हो एक कॉन्फिडेंस आता है कॉन्फिडेंस बट वो अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है मेंटल हेल्थ एक्चुअली सही होगी उसको अदरवाइज आदमी कुछ भी नहीं करता है yeah. नहीं तो फिर सब चीजें इग्नोर कर देता है नहीं, तो so, हाँ, वो सबसे जरूरी है तो एज ए सोसाइटी हम इवॉल्व होते जा रहे हैं जी. जो कॉमिक लाइंस जो 10 साल पहले फनी होते थे आजकल आई थिंक पीपल आर टेकिंग अ लॉट ऑफ ऑफेंस टू एक्चुअली तो जब आप अपना स्क्रिप्ट लिख रहे हो या वेन योर sitting with your team कभी uh, do you keep that in mind ki aaj aise nahi you know we can't make fun of so and so bahut, we can't make fun of this situation bahut hota hai main jis society se पंजाब से अमृतसर शहर से हमारे ना कल्चर में है जब बारात आती थी ना तो वो लड़की वाले जो होते हैं वो लड़के वालों का सिर्फ मजाक उड़ाते हैं <laughs> कि ये जीजा है इसका पेट निकला हुआ है फलाना ये है तो ये हमारे कल्चर में था जिसको यहाँ पे बॉडी शेमिंग कहा जाता होता हाँ, ना हाँ, हाँ. अब वो तक चलो खैर अलग हो गया उसके बाद स्पेशली uh, जब आप काम कर रहे हो जी चैनल पे ऐसे ऐसे शब्दों के ऊपर आपको एस एन पी आता है कि आप सोच भी नहीं सकते हाल ही में एक जगह पे आ गया मुझे कि पागल वर्ड नहीं आप बोल सकते है ना हम अपने हाँ। बच्चों को प्यार से बोल देते, भाई बहन आपस में बोल सकते हैं पर हम बड़ा पीछे जा रहे हैं उनको जावेद अख्तर साहब का एक आया उन्होंने बोला कि शोले में सीन लिखा सलीम जावेद साहब ने मुस्लिम राइटर्स और फिल्म में जो प्ले कर रहे हैं वो धर्मपाजी हैं सिख फैमिली से और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के पीछे वो छुपके बोल रहे हैं वो आज से शायद चालीस पैंतालीस साल पहले उन्होंने लिखा तो उनका एक स्टेटमेंट था उन्होंने बोला की आज हम ऐसा सीन क्रिएट नहीं कर सकते हैं हाँ। क्योंकि पता नहीं कौन किस चीज से आहत हो जाए so, मुझे लगता है कि, तो रहती नहीं है नहीं, हम तो, हम तो दुनिया में प्यार बांटने निकले yeah, yeah. हमारी कोई ऐसी इंटेंशन तो है नहीं किसी नहीं। की भावना को ठेस पहुंचाए हाँ। so, बहुत ध्यान रखते हैं बहुत हम लोग चीज का नहीं आज तो ऑप्शन कपिल इन न्यू फिल्म डिलीवरी जी कभी आपके साथ रियल लाइफ में किसी food delivery boy के साथ कोई interesting किसा हुआ हो करीना मैं नहीं ज़्यादा मैं ज्यादातर घर का ही खाता हूँ तो तो हमारे कुक है उनका बर्थडे था तो मेरी वाइफ ने <laughs> केक मंगाया उनके लिए तो जो केक लेके आया तो उससे पलट गया होगा केक तो बोला मैम मैं भाग के लेके आता हूँ दूसरा केक सॉरी खराब हो गया तो मेरे को उसने बताया गिनी ने आके बोलती है ऐसे ऐसे वापिस बोलता मैं लेके आता हूँ मैं कहा लिफ्ट के पास ही खड़ा था तो मैं गया मैंने कहा दादा हमने भी तो काट के खाना है हाँ। ऐसे ही दे दो आप हमें शायद मैंने वो नहीं किया होता तो मुझे लगता है ये रूटीन प्रोसेस है उनका लेके आते होंगे शायद हाँ। तो मुझे पता नहीं था मुझे लगा है, अच्छा ये वापस जाएगा वहां से डांट पड़ेगी इसको कि तूने केक खराब किया सो so, हाँ पर शायद ये फिल्म करके मुझे होता है yeah, आप कि किसी that, की एग्जैक्टली कपिल नाउ इज टाइम टू शेयर योर ओपिनियन इन अगेन अनदर फन गेम ओके ओके तो ये गेम का नाम है गुड टेस्ट शोज फिनिशेस ओके तो मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगी आपको कहना है या बैड टेस्ट ओके दिस इज कॉफी दिस इज कॉफी गुड टेस्ट बैड आई थिंक फॉर मी इट्स गुड टेस्ट ये फैशन वाली क्वेश्चन है आपके लिए ये इट्स वेरी नाइस बट आई कैंट वेयर ट्विटर वेरी बैड फॉर मी मैंने तो हाँ? बड़े पंगे किए हाँ? ये ट्विटर वाली चिड़िया मुझे पर्सनल मिली नहीं हाँ? मेरे तोते उडा दिए मैंने बड़े पंगे लिए सो फॉर मी इट्स वेरी वेरी बैड बैड गॉड आई न्यू दैट ये क्या है मैं एक्चुअली पूछना चाहता पहनते तो कुछ आजकल तो इसके बारे में मैं कोई no <laughs> very bad <laughs> <laughs> very bad so this is bad taste okay i think that was fun because you were really like it was quite honest and nice thank you so un sare log jo you know influencers digital content creators they would love to know that how kapil sharma deals with a mental block like a creative mental block मुझे लगता है हम लोग ना जितने भी creative लोग होते हैं हम अपनी बनाई हुई चीज से ना कभी कभी वो नहीं होते The last moment तक ये शायद कॉलेज के टाइम में भी मुझे ऐसा लगता था अब ये फिल्म करने के बाद भी मैंने से से बोला कि अब अगर मैं ये फिल्म करूंगा करूंगा शायद और अच्छे से करूंगा। तो बोली ये तेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं हर आदमी की प्रॉब्लम होती है कभी कभी होता है कि जब आप कुछ राइटिंग प्रोसेस में होते हैं हमारा भी दिमाग ब्लॉक होता है कभी कभी ऐसा होता है एक घंटे में बड़ी अच्छी चीजें बन जाती हैं कभी कभी आप पूरा दिन नहीं स्पेशली मैं तो टीवी पे एक हफ्ते में दो बार शो बनाना होता है तो जब नहीं दिमाग काम करे जस्ट गो आउटसाइड थोड़ा घूमो फिरो hmm. चिल करो रिलैक्स करो जितना रिलैक्स होके करते हैं आई थिंक उतना ही इजी uh, रहता है एब्सोल्युटली एंड फाइनली जाने से पहले ऑल माय गेस्ट्स को एक मौका मिलता है कि आप मुझे एक सवाल पूछ सकते हो ओके okay, जैसे आपने मुझे चिड़िया दिखाई ना ट्विटर की <laughs> आप अब जाके इंस्टाग्राम पे आई है <laughs> इतने साल आप क्यों दूर रही सोशल मीडिया से जब आपके फैंस आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं कि आप इस समय क्या कर रही हैं क्या एक्टिविटीज चल रही हैं यू नो होता है <laughs> तो <आप laughs> लगता है मैं काफी ओल्ड स्कूल हूँ ये जो ओवर एक्सपोजर चल रहा है ना आई थिंक दैट ऑल्सो हेम्पर्स थोड़ा थोड़ा आई थिंक थोड़ा सा होना चाहिए थोड़ा वो एक मिस्ट्री होना चाहिए आजकल तो सब कुछ इंस्टाग्राम पे है हालांकि आप इंस्टाग्राम तो पे नहीं थी लेकिन इंस्टाग्राम पे जो चल रहा होता है पता आपको सब होता है हाँ, पता तो सब है वो तो रणबीर और मुझे बार. सब पता है आई डोंट माइंड बीइंग अ खुफिया बट नाउ आई एम ऑन इंस्टाग्राम सो इट्स ओके चल वेलकम <laughs> but thank you so much, Kapil. Thank you, thank for you, coming on my show. Thank I wish you, you so all much. the best for thanks, your thanks a lot. new film, Thank you, and thank that you, it does really well. Thank you, thank you. Good luck. All right, that's that on today's episode of Dhabar Vita What women want: the complete health drink for seven vital growth needs. See you next time. watch more episodes of what women want click here